कैसे लाएं बच्चों को एनवायरनमेंट के करीब। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पर्यावरण के करीब आएं, पेड़ पौधों से प्यार करें। इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत से ही बच्चों को ग्रीनरी के लिए मोटिवेट किया जाए। घर पर भी प्लांटेशन करें और बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जैसे रोज शाम को पौधों को पानी देना। धीरे धीरे बच्चों को भी पौधों से लगाव हो जाएगा। मदर नेचर ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम लोगों ने सीखा है इन गिफ्ट्स की रिस्पेक्ट करना, और उससे भी बड़ी बात, क्या हमने अपने बच्चों को बताया है कि किस तरीके से इस नेचर को रिस्पेक्ट किया जा सकता है, इन गिफ्ट्स को संभाल के रखा जा सकता है। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम अपनी गेस्ट फैमिली से यही बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को बताया है इन नेचर के इन गिफ्ट्स की रिस्पेक्ट करना, उसको संभाल के रखना। नमस्कार, मेरा नाम राकेश त्रिपाठी है। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं ट्रैक्टर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हूँ। मेरी बेटी मान्या त्रिपाठी 6th क्लास की स्टूडेंट है। वैसे तो वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, पर थोड़ी शरारती भी है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मान्या त्रिपाठी है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। और उसकी शरारतें जो हैं वो हमें सारे दिन बिजी रखती हैं। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज हम हैं त्रिपाठी फैमिली के साथ और उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को बताया जा सकता है कि एनवायरनमेंट के क्या मायने होते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं और कैसे उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? मान्या, आप बताइए, आपका जो भी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो क्या है? तो कश्मीर। कश्मीर आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है, क्यों? इट्स वेरी ग्रीन, चारों ओर हरियाली, सब जगह हरियाली है, बहुत ग्रीन है, इसलिए आपको पसंद है। तो आप कभी मिस करती हैं यहाँ पे? इतना कॉन्क्रीट है सब जगह, कभी वो ग्रीनरी मिस करती हैं? हाँ। ओके, यू मिस दैट। मिसेस त्रिपाठी, आप बताइए, क्या लगता है आपको, क्यों ज़रूरी है बच्चे को बताना कि एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, कैसे हम उसे बचा के रख सकते हैं और कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? जी, एनवायरनमेंट तो जैसा आपको पता है हमारी जितनी बेसिक एनर्जी है हमारे पास, जी, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। एवरी वन इज़ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट ओनली। एयर, वाटर, सॉइल, इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है जी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है प्रिजर्व करना, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्लस बच्चों को स्कूल में भी काफ़ी अवेयरनेस बताते हैं एनवायरनमेंट के बारे में दिया जाता है कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, ग्रीन रखो। तो जैसे कि मिसेस त्रिपाठी ने बताया, मिस्टर त्रिपाठी, कि भाई हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है, लेकिन फिर भी इस बात को बहुत ही हम लाइटली ले जाते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते। कैसे बच्चों को बता सकते हैं कि आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इशू हो गया है, बहुत ही मेजर इशू हो गया है। पानी हम लोगों के पास साफ नहीं है, बिजली बहुत कम है, चारों तरफ बहुत गंदगी है, पेड़ हर साल बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं, तो आज के टाइम में बहुत ही मेजर इशू है। कैसे बच्चों को समझा सकते हैं? बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने से उनको समझ नहीं आएगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ठीक से। उनको छोटी छोटी बातें बतानी चाहिए, वो छोटी छोटी बातें घर से भी शुरू हो सकती हैं। जैसे जब पावर कट होता है उस टाइम बच्चों को समझा सकते हैं कि देखो, ये अगर हमने बिजली खर्च कम किया होता शायद ये हालत नहीं होती, पावर कट नहीं होता। अच्छा मान्या, आपने बताया कि भाई आपको कश्मीर इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ग्रीन है, यहाँ पे वो ग्रीनरी नहीं है। तो कभी आप कुछ कोशिश करती हैं, कभी कोई पेड़ लगाती हैं, कभी कोई पौधा लगाती हैं आप? यस। आप करती हैं, कब किया आपने लास्ट टाइम? लास्ट वीक। कौन सा पौधा आपने लगाया था, किसने लगवाया आपसे? मेरी मदर। मदर ने। तो क्यों लगाया आपने पौधा? आपको मम्मा ने बताया क्या उसके फायदे हैं, क्यों लगाना चाहिए? कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन। मिसेस त्रिपाठी, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने मान्या को बताया कि क्या फ़ायदा होता है, हमें क्यों प्लांटेशन करना चाहिए। कब आपने बताया मान्या को? आपको क्या लगता है क्या राइट एज होती है, कब हम बच्चे से शुरुआत कर सकते हैं? जी, मुझे याद है मान्या जब छोटी थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 4.5 या 5 साल की होगी जी, तभी मैंने उसको मूंग का दाना दिया था कि इसको थोड़ा अंकुर करके देखो जी। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि अरे इसमें से कुछ निकला है ना। फिर नेक्स्ट डे उसको और भी मैंने कुछ छोटे छोटे बीज दिए थे, तो उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनको पौधों को बीज को डाला जी। तो उसमें जब नन्हे नन्हे वो आए, अंकुर आए, तो ये बहुत ही डिलाइटेड थी कि मम्मी मैंने कुछ किया। तो उस एज से बच्चों में कल्टिवेट करना चाहिए,
फिर जब बड़ी हो गई तो अब हम इसको समझा सकते हैं कि तुम ये ग्रीनरी का क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में जी। हमें अपना एनवायरनमेंट क्यों क्लीन और ग्रीन रखना चाहिए, फूलों से भरा हुआ क्यों होना चाहिए जी। तो जब वो बहुत छोटी थी तब से आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, कौन से ऐसे छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं जिससे हम बच्चे को अवेयर कर सकें? जैसे घर में बहुत सारे पावर पॉइंट्स हैं जी, तो उसमें जैसे मोबाइल चार्जर है जी, जब चार्ज करते हैं जब ऑन करते हैं तो उसमें एक रेड लाइट जलता है जी, उसमें भी पावर कंज्यूम होता है बिल्कुल। तो नॉर्मली देखा जाता है लोग उसको ऑफ नहीं करते हैं, अपना प्लग निकाल लेते हैं, चार्जर निकाल लेते हैं या कोई भी इम्प्लीमेंट लगा हुआ उसको निकाल लेते हैं और स्विच ऑन रखते हैं जी। तो ऐसा स्टडी हुआ है, उसमें भी पाया गया कि कुल मिलाकर के भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसमें खर्च होती है, काफ़ी बिजली खर्च होती है। तो ये बच्चों को समझा सकते हैं कि वो जब भी यूज़ करें बाद में ऑफ़ करना ना भूलें, ऑफ करना ना भूलें, उन चीज़ों का भी ध्यान रखें जो बहुत छोटी हमें लगती है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। और मान्य आप ध्यान रखती हैं, आप जब भी टीवी चलाती हैं या कुछ चार्ज करती हैं आप उसे ऑफ करती हैं? ओके, और क्या क्या बातें हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताई हैं जिनका आप ध्यान रखती हैं? डोंट मेक द एनवायरनमेंट डर्टी, डोंट थ्रो गार्बेजेस इन द लैंड, एंड व्हाइल गोइंग आउट ऑफ द रूम और एनी प्लेस स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन, प्रिजर्व वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दैट्स ग्रेट मिसेस त्रिपाठी। हम बच्चों को बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि पेरेंट्स खुद उन बातों को फॉलो नहीं करते। तो कितना ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, समझा रहे हैं, सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करें जी। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप समझा रहे हैं पहले खुद अपने पर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप बच्चों को समझाइए जी। क्योंकि बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पहले आपसे सवाल पूछेंगे, मम्मा आपने तो ऐसा किया नहीं, फिर आप मुझे क्यों कह रहे हो जी। तो ऐसे जैसे कि अब कार में कहीं जा रहे हैं तो हमने कुछ भी खाया, चिप्स खाया, वॉट एवर पैकेट्स है, अब उस समय क्या होता है कि अक्सर लोग देखा गया है अपनी खिड़की खोला और पैकेट बाहर बिल्कुल, पर नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। मेरे पास अगर कोई बैग ना हो, कुछ भी ना हो, तो मैं अपने हैंड पर्स में ही जी मानने को कहती हूँ, बेटा इसमें डाल दो। ओके, गुड गुड। और हमें भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो यूं ही वेस्ट मटेरियल बाहर ना फेंक दें, इससे आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है, कैसे उसे क्लीन रखना है, कैसे उसे और भी ज़्यादा ग्रीन करना है। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से करेंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। आज हम हैं त्रिपाठी फैमिली के साथ और उनके घर की बॉस है उनकी बेटी मान्या त्रिपाठी। उन्होंने बनाए हैं अपने कमरे के लिए, अपने घर के लिए कुछ अलग रूल्स। क्या है वो रूल्स, चलिए मान्या से पूछते हैं। मान्या, क्या रूल्स हैं आपके रूम के, क्या रूल्स हैं आपके घर के? कोई भी कमरा गंदा नहीं करेगा, घर गंदा नहीं करेगा, कोई भी चीज़ ऐसी नीचे नहीं फेंक देगा, जाएगा वो डस्टबिन में फेंकेगा। ओके। और जैसे हम एसी ऑन करते हैं, कमरे से बाहर निकलते ही कुछ लोग भूल जाते हैं उसे। कौन भूलता है, पापा या मम्मी? मैं ही भूल जाती हूँ। अच्छा, आप ही भूल जाती हैं। ओके। तो उसको बंद करके जाएं, बाथरूम में टैप्स बंद करें। ये सारी चीज़ें आपने इस घर के रूल्स बनाए हैं कि सारी चीज़ें सबको फॉलो करनी है। तो मिसेस त्रिपाठी, मिस्टर त्रिपाठी, आप दोनों फॉलो करते हैं, मान्या फॉलो करती हैं सारे रूल्स? हाँ, मान्या काफ़ी कोशिश तो करती हैं फॉलो करने की जी करती हैं। हम लोग भी फॉलो करते हैं और इसको भी हमेशा रिमाइंड करते रहते हैं, अगर ये कभी छोड़ देती है, ऑफ करना भूल जाती है, तो इसको हम लोग रिमाइंड करते रहते हैं। मिस्टर त्रिपाठी, जैसे कि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर किस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है वो इसी तरीके से डिस्पोज ना हो कि बाहर गंदगी फैलाए, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर ना जाए? हमारे यहाँ वेस्ट तो अधिकतर मेटलिक वेस्ट होता है जी, जो कि रिसाइकिल हो जाता है जी। और एक मेजर स्टेप हमने लिया हुआ वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ हमने जी। हमने अभी तक देखा हो कि कितने भी जोर से बारिश हो जी, वाटर ओवरफ्लो कभी भी नहीं होता, सारा का सारा उस जो रिचार्ज पिट बना हुआ है सारा सारा उसके अंदर चला जाता है पानी जी। इस तरह से वाटर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता उसमें। तो वहाँ पे आप वाटर जो कंजर्व करते हैं। मिसेस त्रिपाठी, एक और गलती होती है जो हम लोग आम तौर पर अपने घर पे करते हैं कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों ही वेस्ट को एक साथ डंप कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं अपने घर में? यू आर वेरी राइट, हम लोग अभी तो यही करते हैं कि दोनों वेस्ट को एक साथ ही डंप कर देते हैं जी। लेकिन होना अलग अलग चाहिए, जैसा वैसे MCD ने भी पहले अरेंजमेंट कर रखा था हमारी सोसाइटी के बाहर, दो उन्होंने गार्बेज डंप बना रखे थे। आपका ये आइडिया अच्छा है
कि हमें घर के अंदर ही ये अरेंजमेंट करने चाहिए एटलीस्ट, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा हम लोग वर्किंग हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों पर ध्यान जरा कम जाता है जी। लेकिन आपको लगता है कि जरूरी होता है कि हम थोड़ा सा वक्त निकालें, दो डस्टबिन रखें और उसी तरीके से सेग्रीगेट करें जो भी आपका वेस्ट है उसको। और कितना ज़रूरी होता है मिसेस त्रिपाठी कि बच्चों को भी हम लगातार बताते रहें कि क्या डिफरेंस होता है इस तरह के वेस्ट में, क्या इसका आगे इफ़ेक्ट होता है, लगातार उन्हें एजुकेट करना। स्कूल अपने लेवल पर काम कर रहा है लेकिन घर वालों को लगातार उन्हें एजुकेट करना कितना ज़रूरी होता है। स्कूल तो अपने लेवल पर काम करते हैं लेकिन बच्चे को जो भी शिक्षा जो घर में मिलती है उसको बेसिक वो उसके मानस पटल पे काफ़ी दिनों तक रहती है जी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप शुरू से बताएं कि एनवायरनमेंट को क्लीन या ग्रीन रखना क्यों ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मिसेस त्रिपाठी ने भी बताया कि बहुत ज़रूरी है कि घर में भी हम वो एजुकेशन बच्चों को दें, बच्चों को बताएं कि किस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, उसे ग्रीन रख सकते हैं। क्या कहती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से बच्चों को और भी ज़्यादा एजुकेट किया जा सकता है, आइए देखते हैं। टीचिंग चिल्ड्रन टू गो ग्रीन, What a beautiful thought, especially आजकल जब देखा जा रहा है कि हम लोग नेचर से बिल्कुल आउट ऑफ सिंक हो गए हैं, तो बड़ा ही ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके हम नेचर के वापस पास आएं और उसे अपनी हारमोनी में लेके आएं। सबसे पहले एज पेरेंट्स हमारा ये कर्तव्य होता है हमारे पूरे वर्ल्ड के प्रति कि हम अपने परिवार से अपने बच्चों से ही सही शिक्षा देना शुरू करें। जनरली जब हम बैठते हैं न्यूट्रल टाइम पे, जब या जब हम कहते हैं हम क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर हम इको फ्रेंडली डिस्कशंस कर सकें सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर इनकरेजिंग द चिल्ड्रन टू गो ग्रीन। सेकेंड चीज़, जब कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे आजकल बहुत सारी बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, उसके अंदर हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, तो अगर हम ही शुरुआत करें कि बच्चे को बर्थडे पे एक प्लांट गिफ्ट करें या एक प्लांटेशन की पार्टी करें, ग्रो अ ट्री ग्रो अ प्लांट पार्टी करें, तो बच्चों में भी वो एंथुजियाज्म आएगा कि गो ग्रीन एक बहुत ही अच्छा मोटिव है। बैक प्रेजेंट्स भी आजकल छोटे छोटे प्लांट्स हो सकते हैं जो बच्चे अपने आप ही गमलों में लगाएं, पॉट्स में लगाएं या एज एन एक्टिविटी करें और वहीं से वापस बर्थडे पार्टी कोई ओकेजन, वो होली दिवाली राखी का ही ओकेजन क्यों ना हो, उस पर हम इस्तेमाल कर सकें। जब हम एक अच्छा रोल मॉडल बनेंगे तो हमारे बच्चे क्यों नहीं। तो जैसे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बताया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर एक प्लांटेशन पार्टी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मान्या, आप सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, तो सब लोग मिलके अगर कभी प्लांटेशन पार्टी करें, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? इट्स अ वंडरफुल आइडिया, इट्स वेरी एक्साइटिंग। हम लोग ने एक बार उसे ट्राई भी किया था, जब हम बोर होते हैं हम घर से सीड्स ले आते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे उसे बो देते हैं, और नेक्स्ट टाइम वील डू इट एंड व्हेन फ्लावर्स विल कम वील कॉल यू आल्सो। ओह थैंक यू सो मच मान्या, थैंक यू सो मच। मिसेस त्रिपाठी, जैसे कि प्लांटेशन पार्टी हो गई या फिर बच्चे को प्लांट गिफ्ट करना हो गया, ये एक छोटा और आसान तरीका हो गया, यूनिक है अपने आप में लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम बच्चे को इनक्रेज करें, बच्चे को मोटिवेट करें कि वो अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें? इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे जब भी हम लोग किसी ट्रिप पर जाते हैं जी, जो नेचर ट्रिप होता है जैसे नैनीताल ऋषिकेश या कश्मीर वगैरह, उसको समझाते रहते हैं कि देखो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है जी, तो उसकी वजह से यहाँ एनवायरनमेंट कितना साफ है, पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली में ग्रीनरी बहुत ही कम है इधर जी, इसकी वजह से भी गर्मी पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हम लोग उनको बताते रहते हैं इसको। दिल्ली में भी एक गार्डन ऑफ सेवन सेंसेस है, लोधी गार्डन है, यहाँ भी काफ़ी गार्डन्स हैं, वहाँ भी बच्चों को लेके जाते हैं ट्रिप पे। तो लेकिन आपका आइडिया बहुत अच्छा है जो मुझे पसंद आया कि एक बच्चों को गिफ्ट किए उनकी कुछ प्लांट्स गिफ्ट करें एक दूसरे को, क्योंकि जैसे अक्सर बर्थडे होता है कॉलोनीज में, मतलब आए दिन एवरी मंथ एक या दो बर्थडे होते हैं, एंड मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि भाई बच्चों को क्या गिफ्ट करो, मतलब उनके पास टॉयज़ होते हैं, आजकल बच्चों के पास सब चीज़ होते हैं, एक या दो बच्चे हर फैमिली में होते हैं, तो दे हैव एवरी थिंग विद देम, तो मतलब बहुत ही एक हेडेक है कि क्या गिफ्ट करो। लेकिन जैसा कि आपने बताया बहुत ही अच्छा एक आइडिया आया कि बच्चों को, अब जैसे मान्य केज के बच्चे हैं तो इसके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप एक फ्लोरल प्लांट दो या एक ग्रीन प्लांट दो, तो जब भी उसमें फ्लावर आएंगे या कुछ भी उससे एक अच्छा मतलब बच्चों पे असर पड़ेगा। तो ये आइडिया अच्छा है कि बर्थडे में आप फ्लोरल प्लांट या ऐसी कोई ग्रीन प्लांट गिफ्ट में दो। बच्चों को प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं, इससे ना सिर्फ बच्चे नेचर के और भी करीब आते हैं बल्कि वो केयर करना सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। आपका बच्चा जब रोज़ उसको पानी देता है, उसको बढ़ते हुए देखता है, तो अपने आप में ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप सभी से करेंगे मुलाकात लेकिन इस ब्रेक के बाद।
नेचर को समझना, उसे जानना, उससे जुड़ना, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कभी भी आप शुरुआत करें, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करें कि आपका बच्चा इस मदर नेचर को जान सके, उनकी रिस्पेक्ट करना सीख सके। और आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम यही कोशिश कर रहे हैं त्रिपाठी फैमिली के साथ। आप बताइए मान्या, जो आपके टॉयज होते हैं, क्या करती हैं आप जब आप उससे बोर हो जाती हैं या वो पुराने हो जाते हैं, तो आप क्या करती हैं उनका? तो मैं कुछ अपने मेट्स के डॉटर्स को दे देती हूँ। आपको क्या लगता है मिसेस त्रिपाठी, जब हम टॉयज की बात करते हैं, उन्हें स्वैप करना तो बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, जिससे बार बार वो प्लास्टिक का यूज़ हो सके, दूसरे बच्चे उससे खेल सके। लेकिन आजकल चीप प्लास्टिक का बहुत यूज़ हो रहा है, चीप प्लास्टिक टॉयज का बहुत यूज़ हो रहा है, जो बहुत हार्मफुल होता है। पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना चाहिए कि उनसे बच्चों को दूर रखें और बच्चों को बताएं कि हो सकता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हों, लेकिन वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। आजकल ऐसे चाइनीज़ टॉयज़ बहुत मार्केट में आ रहे हैं, जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत हैं और रेट्स भी बड़े रीज़नेबल होते हैं, तो लोग उनको खरीदने के लिए बहुत टेम्पटेशन हो जाती है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, आपका बजट भले ही उतना ना हो, बजट को थोड़ा सा एक्सीड कर लीजिए बच्चों की सेफ्टी के लिए, लेकिन जो अच्छी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनके टॉयज़, उनके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि स्मॉल पार्ट्स है, किस एज के बच्चों के लिए हैं, उस तरह से आप देख के खरीदें। मिस्टर त्रिपाठी, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे कल्चर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से जोड़ती हैं, उसके करीब लाती हैं। वसंतोत्सव की अगर हम बात करें, हम लोग भूल गए हैं कि क्या होता है वो, उसमें क्या किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बच्चों को बताते हैं कि उत्सव क्या होता है, घर में बाकी फेस्टिवल्स की तरह उसे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको लगता है कि हम बच्चों को और भी ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं नेचर से? ये बिल्कुल सही आइडिया है। पहले जो वसंतोत्सव होते थे उसमें सारे बहुत सारे फंक्शन नेचर के बीच में जा करके ऑर्गेनाइज किया जाता था, उसी में नाच गाना और खाना पीना तरह तरह के फंक्शन होते थे जी। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन अब हम उसको भूल चुके हैं क्योंकि हमें बाहर कुछ नज़र नहीं आता ज़्यादा। अगर हम इसको ढंग से मेंटेन कर रहे हैं तो अभी भी हम इस तरह के पार्कों में जा करके इस तरह के उत्सव मना सकते हैं। और ये वसंतोत्सव इसलिए मनाए जाते थे ताकि हम सारे लोग जो प्रकृति की खूबसूरती है जी, उसको एहसास कर सकें, उसके साथ रह सकें, उसको एहसास करके एक हफ्ते तक उसके साथ अगर उत्सव मनाया जाता है तो बच्चे भी इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। बिल्कुल, तो जो हम बच्चों को हर बार मॉल्स में ले जाते हैं, मूवीज़ दिखाने ले जाते हैं, एक बार आप हॉलीडे प्लान कीजिए, आउटिंग प्लान कीजिए, बच्चों के साथ ऐसी जगह जाइए ताकि वो नेचर के करीब आ सकें, उसकी खूबसूरती का एहसास उन्हें भी हो। क्या कहती है हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से बच्चों को नेचर के और भी करीब लाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि क्यों ज़रूरी है इसको सजो के रखना, आइए देखते हैं। बच्चा आपके बनाए हुए पत्थरों के मकान में रहता है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जहां पर बच्चे को नेचर देखने को ही नहीं मिलता, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जहां यही नहीं पता चलता कि सूरज कब उगा और कब अस्त हो गया। ऐसे में बच्चे को नेचर के पास ले जाने के लिए आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, जरूरी है कि आप बच्चे को नॉलेज दें, प्यार से उसे समझाएं कि नेचर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ग्रीनरी क्यों ज़रूरी है, पेड़ पौधों का क्या महत्व है। आप डांट कर बच्चे को थोड़ी देर के लिए कोई कार्य ज़बरदस्ती करा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ बच्चे की आदत बन जाए, हैबिट बन जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को समझाएं। टाइम निकालें जब आप छुट्टी के दिन बच्चे को किसी पार्क में ले जा सकें, पेड़ों के पास, खिले हुए फूलों के पास, थोड़ी देर के लिए बच्चे को वहाँ खेलने दें, पेड़ों का, फूलों का स्पर्श उसे करने दें, वहाँ बैठकर आप बच्चे को नेचर के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, फूलों के बारे में बताएं, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें, जितना उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा उतना ही वो नेचर के पास आएगा। तो जैसे कि अर्चना जी ने बताया कि अगर हम बच्चे को डांट देते हैं तो हो सकता है बच्चा उन बातों को फॉलो करे, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आप बच्चे में ये हैबिट डेवलप करें। आपको क्या लगता है मिसेस त्रिपाठी, कितना ज़रूरी होता है कि बच्चे के अंदर ये हैबिट्स डाली जाएँ? अगर आप डांट देंगे तो हो सकता है बच्चा आपके सामने वो काम करे लेकिन आपके पीछे वो प्रैक्टिस ना करे, तो किस तरीके से हैबिट्स डेवलप की जा सकती हैं, कितना ज़रूरी है बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना? जी, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आपने सही कहा, जैसे अब मैं ऑफिस में रहती हूँ जी, अब मेरे पीछे से मान्या को मैं कहूँ कि मान्या तुम एसी मत चलाओ,
या स्विचेस ऑफ करके रखो तो मैं इसको मॉनिटर नहीं कर सकती हूँ जी। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के साथ रह के जब बच्चे के साथ रहूँ तो उसके साथ साथ करूँ कि चलो बेटा अब कमरे से बाहर निकल के एसी ऑफ कर दो, अब स्विच ऑफ कर दो, या चलो हम कुछ प्लांट कर लेते हैं, कुछ प्लांटेशन कर लेते हैं, या चलो तुम्हारे फ्रेंड्स को बुला के एक फ्रेंडली पार्टी कर लेते हैं जी। या बच्चे के साथ कहीं जाना है, कार में ही कहीं जाना है तो कार में भी पेट्रोल काफ़ी वो वेस्ट होता है। छोटी जगह जैसे हमें सेक्टर 6 जाना है, मार्केट जाना है तो उसमें हम पैदल भी जा सकते हैं, बच्चे को लेकर साथ में पैदल भी जा सकते हैं। और इस तरह से मतलब बच्चे के साथ रह के उनको खुद अपने सामने शो करना है, मतलब हमें उनका एक रोल मॉडल बनना है। मान्या लास्ट में आप मुझे बताइए, क्योंकि आप में वो सारी अच्छी हैबिट्स हैं जो एक अच्छे बच्चे में होनी चाहिए, आपको पता है क्यों इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, कैसे करनी है, क्या और चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो आप बाकी बच्चों से क्या कहना चाहोगी, किस तरीके से वो भी एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं, उसको क्लीन रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं? तो मुझे चिप्स और चॉकलेट पसंद है, मैं जानती हूँ कि सारे बच्चों को पसंद है, और लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो खाते हैं और फिर उसी को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं जी, और उस पर ध्यान नहीं देते वो, और वो ये नहीं सोचते कि वो एनवायरनमेंट को गंदा करती है। और कुछ लोग होते हैं जो एसी के में बैठे हैं और फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं वो भूल जाते हैं, एसी बंद करना भूल जाते हैं। और मैं सब बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि वो लोग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को प्रिजर्व करें। ओके, गुड, ग्रेट थॉट। और हम भी चाहेंगे कि सभी बच्चे मान्या की तरह बने, वो सारी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें ताकि वो नेचर के और भी करीब आ सकें। आज आप तीनों ने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, थैंक यू सो वेरी मच। और मान्या, खासतौर पर आपको बड़ा वाला थैंक यू कि आपने हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, थैंक यू। वेलकम। बच्चों के सवालों पर या उसकी किसी भी जिज्ञासा पर उसे डांट कर चुप ना कराएं, बल्कि समझदारी पूर्वक उसके सवालों का जवाब दें और उसकी जिज्ञासाओं को शांत करें।